भाई हर एक को संतरे खाने में मज़ा आता है, पर आज हम संतरों से एक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। मेरे पास दो संतरे हैं, एक बिल्कुल साबुत संतरा है और दूसरे का छिलका छिला हुआ है। मैं दोनों को एक पानी के टैंक में डालता हूँ। जो साबुत संतरा है वो तैरता रहता है और जो छिला हुआ है वो डूब जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक पानी का टैंक या एक फिश टैंक चाहिए और कुछ संतरे चाहिए। सबसे पहले हम बिल्कुल साबुत संतरे लेंगे जिनका छिलका चढ़ा हुआ है। एक संतरे को पानी में डालते हैं तो वो तैरता रहता है, दूसरा छिलके वाला संतरा भी पानी में तैरता है। इस तरह से हम चाहे जितने भी छिलके वाले संतरे पानी में डुबोएं, सब के सब तैरते रहेंगे। इसका एक मतलब ये है कि साबुत संतरे का घनत्व पानी से कम है, इसलिए वो पानी पर तैरता है। अब मैं एक संतरे के छिलके को हटा दूंगा। ये काम बहुत ही आसान है। इस बात का ध्यान रखें कि संतरा साबुत रहे, उसकी फांके ना हों। अब छिलका हटाने के बाद में जो छिला हुआ संतरा है, एक गेंद जैसा है, इसको मैं जैसे ही पानी में डालूंगा वैसे ही वो झट से डूब जाएगा पानी में नीचे। इसका मतलब यह है कि छिले संतरे का घनत्व पानी से ज़्यादा होगा, तभी वो डूबता है। इसका कारण यह है, जो संतरे का छिलका है उसमें बहुत सारे हवा के बुलबुले होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, और इसी के कारण जो छिलके वाला संतरा है उसका घनत्व पानी से कम होता है और वो पानी के ऊपर तैरता है। इसके वनस्पत जो बिना छिलके वाला संतरा है वो भारी होता है और डूब जाता है। अब मेरे पास एक तरफ छिलके वाले संतरे हैं और दूसरी तरफ बिना छिलके वाले। सारे छिलके वाले संतरे पानी के टैंक में तैरते रहते हैं क्योंकि उनका घनत्व पानी से कम है। दूसरी ओर जब मैं बिना छिलके उतरे संतरों को पानी में डालता हूँ तो वो एक एक करके सभी के सभी पानी की पेंदे में डूब जाते हैं। इसका मतलब है कि जो छिले संतरे हैं उनका घनत्व पानी से अधिक है और इसलिए वो डूब जाते हैं। ये संतरों से आप बहुत ही सुंदर घनत्व का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल साधारण से आपको संतरे और एक पानी का टैंक चाहिए।